अहम खबर आपको दें कि जज अरशद मलिक वीडियो इल्जामात केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसफ और गुलाम जिलानी को क्लियर कर दिया है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं, आतिफ भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आतिफ भट्ट, ये अपनी दरख्वास्त जमानत जब खारिज हुई थी उस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज क्लियर करार दे दिया गया है, मजीद अपडेट कीजिएगा आप। जी, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस के जो तीनों मुलजमान हैं उनको, जिनमें नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसफ और गुलाम जिलानी जो है, उनको जज शायस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया है। इसमें अहम पेशकश हुई है। जज शायस्ता कुंडी ने तीनों मुलजमान का केस सुनने से माजरत कर ली और जो जज शायस्ता कुंडी की जानब से ये रिमार्क दिए गए कि वो जाती वजूहत की बिना पर केस नहीं सुन सकती। तहम वकला की जानब से बार बार इस्तदा की कि वो केस सुन लें, लेकिन उनकी जानब से, जज की जानब से ये कहा गया कि कह दिया है कि नहीं सुन रही, आप मुझे जानते हैं, यह केस जो है किसी और जज के पास भेज रही हूँ, अब वही इस केस को सुनेंगे। तहम जो जज अरशद मलिक वीडियो इल्जामात केस में बड़ी पेशरफ हुई है। FIA ने नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसफ और गुलाम जिलानी को क्लियर कर दिया है और FIA रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुलजमान के खिलाफ शवाहद नहीं मिले, अदालत चाहे तो गिरफ्तार तीनों मुलजमान को रिहा कर सकती है। और FIA की जानब से जो तहकीकती रिपोर्ट में तीनों मुलजमान को डिस्चार्ज करने का ये कहा गया है, लेकिन जज शायस्ता कुंडी की जानब से ये केस सुनने से माजरत कर ली गई है। अब इम्कान यही है, इस वक्त भी तीनों जो मुलजमान हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इम्कान यही है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुहेल नासिर की अदालत में तीनों मुलजमान को जो है FIA जो है वो पेश करेगी और वही अब इस केस को देखेंगे। ठीक आतिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।